सदर पोलीस ठाण्यांतर्गत मोहन नगर परिसरात वारंवार घरफोडीच्या घटना घडत असल्याने पोलिसांनी सापळा रचून एका सराईत आरोपीला अटक करत त्याच्याकडून 2 बाईक, 3 मोबाईल फोन आणि रोकड असा 2,65,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अटक आरोपी उशिरा रात्री 2 ते 4 वाजेच्या सुमारास मोहननगर परिसरात यायचा आणि ज्या घराच्या दरवाजाजवळ खिडकी असेल त्या खिडकीमधून अलगदपणे हात टाकून दरवाजा खोलून आत असलेले मोबाईल फोन, रोकड आणि गाडीच्या चाव्या चोरायचा. मग घराबाहेरून त्या दुचाक्या घेऊन फरार व्हायचा. सदर पोलिसांनी अखेर सापळा रचत अखेर कपिलनगर येथील रहिवासी सूरज सोमकोवर या 25 वर्षीय सराईत चोराला अटक केली असून त्याच्याजवळून 1 बुलेट गाडी, 1 अपाचे, 3 मोबाईल फोन आणि काही रोकड असा 2,65,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तसेच पोलिसांचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती सदर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनोद चौधरी यांनी दिली आहे. उदाहरण मोहननगर में पिछले हफ्ते में कंटिन्यू 1-2 दिन के बाद में गड्डूदा मोहन नगर में घरपोड़ी की घटनाएं हो रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे ट्रैप लगा के रखा था और ट्रैप लगाने में हमने एक आरोपी को पकड़ा है. सूरज सिद्धार्थ सोमकुंवर, उम्र 25 साल, रहना मैत्री कॉलोनी कपिल नगर वाला. यह आरोपी का मोडस ऐसा था, रात के समय में 2 से 4 बजे के दरमियान में आता था और जो घर को लग के खिड़की है वो खिड़की खोल के खिड़की में से हाथ डाल के दरवाजे की कड़ी खोलता था और अंदर में से नकदी, मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबी चुराता था और घर के आगे में जो गाड़ी रखी है टू व्हीलर उसे वो चोरी कर रहा था. इस संबंध में हमारे पुलिस स्टेशन में 3 गुन्हे दाखिल हुए हैं, 1 10 फरवरी को, 1 13 फरवरी को और 1 15 फरवरी को, और ये तीनों भी चोरी इसने किया है, इसे कबूली दिया है. और ये तीनों चोरी में से जो उसने सामान चुराया था, 1 बुलेट गाड़ी थी, 1 अपाची गाड़ी थी, 3 मोबाइल फोन थे और कुछ नकदी थे. ऐसा हमने उसके पास से कुल 2,65,000 का मुद्देमाल हमने जब्त किया है. अभी तक उससे 3 गुने की उघड़ की सा है और बाकी के भी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं.